आप देख रहे हैं मुहूर्त ट्रेडिंग सीएनबीसी आवाज पर। भारतीय बाजारों की शुरुआत थोड़ी सी पॉजिटिव जरूर रही है, लेकिन मिड कैप्स में ज्यादा एक्शन है। सेंसेक्स निफ्टी थोड़े से शांत बैठे हैं। कमोडिटी मार्केट में भी आज ट्रेड शुरू हो चुका है, क्या स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है, मुहूर्त कैसा नजर आ रहा है? प्रथमेश माल्या हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट है कमोडिटीज एंड करेंसी के एंजल ब्रोकिंग एंजल कमोडिटीज से। प्रथमेश, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, बताइए मुहूर्त ट्रेडिंग की शुरुआत कैसी हुई है कमोडिटी मार्केट्स के लिए, क्योंकि एक सरप्राइज परफॉर्मेंस सोने और चांदी ने दिखाया इस साल, जिसकी संभावना बिल्कुल नहीं लग रही थी और बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी कि रिटर्न्स बनेंगे। इस बारी क्या ये ट्रेंड बरकरार रह सकता है? तेजी जो आई है सोने चांदी में, क्या वो जारी रहेगी? नमस्कार, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको मेरी तरफ से भी और सारे एंजल कमोडिटीज़ की तरफ से। गोल्ड और स्पेसिफिकली अगर बात गोल्ड और सिल्वर स्पेसिफिकली बात करें तो रिलेटिवली इस साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिया है। गोल्ड ने करीब 20% रिटर्न्स दिया है इस साल में, या सिल्वर ने करीब 27% रिटर्न दिया है। अगर लास्ट दिवाली टू दिवाली बात करें तो करीब 17% रिटर्न दिया है गोल्ड ने। तो गोल्ड और सिल्वर एज अ प्रेशियस मेटल्स काफ़ी वेल प्लेस दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दो रिस्क हैं यहाँ पे, वो है नवंबर 8 का जो इलेक्शन है US में, उसका आउटकम काफ़ी हद तक कर सकता है कि यहाँ से गोल्ड और सिल्वर के भाव कहाँ तक जा सकते हैं। उसके अलावा जो दिसंबर में मीटिंग है US फेडरल रिजर्व की, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बताई जा रही है, बिकॉज अगर रेट हाइक नहीं होता तो ये गोल्ड सिल्वर के लिए काफ़ी पॉजिटिव माना जा रहा है। हालांकि अगर ये दो रिस्क संभल जाते हैं तो फिर गोल्ड और सिल्वर में आपको ज़्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिल सकता है। मैं ऑल इन ऑल अगर आप बाय करना चाहते हैं पर्टिकुलर गोल्ड में ही, तो 28,500 के आसपास का लेवल ही एंटर करने लायक है। और सिल्वर की बात करें तो अगर डिप मिलता है 40,000 के आसपास तो ही बेस्ट बेट है। अदरवाइज अगर आप रिलेटिवली पूछते हो गोल्ड और सिल्वर में, तो सिल्वर काफी वेल प्लेस्ड है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। गोल्ड में भी अगर स्पेसिफिकली अगर आप खाली रिटर्न्स आपका इंटेंशन है, तो फिर जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो गवर्नमेंट की तरफ से रिसेंटली लॉन्च हुआ है और जिसका इश्यूज ओपन है अक्टूबर 24 से नवंबर 2, इस पर्टिकुलर निवेश में आप डाल सकते हो पैसा। जो इन्वेस्टर्स का इंटेंशन है कि खाली रिटर्न स्पेसिफिक हो, जो इन्वेस्टर्स वो फिजिकली मेटेरियल को बाय करना चाहते हैं तो इस भाव पे बाय करना मुनासिब नहीं समझते। ओके, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट्स पर ये कॉल देने के लिए। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट निपुण मेहता जुड़े हैं, साथ ही साइट्रस एडवाइजर्स के संजय सिन्हा, इंडिया इन्फोलाइन के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट संजीव भसीन और PowerMyWealth.com के फाउंडर और CEO संदीप वागले भी, और इन सभी से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।